हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल कुक विद नगीना में। तो आज हम बनाएंगे पनीर खुशरंग। तो चलिए देखते हैं कि पनीर खुशरंग बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। दो कटे हुए शिमला मिर्च, एक कप कटे हुए पनीर, आधा कप तेल, एक कटा हुआ प्याज, थोड़ी सी धनिया पत्ती, आधा चम्मच इलायची पाउडर, आधा चम्मच पीली मिर्च, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा कप काजू का पेस्ट, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर। सबसे पहले एक पैन में तेल डालेंगे और फिर उसे गर्म होने दें। गर्म होने के बाद प्याज डालेंगे, जीरा डालेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, फिर इसमें कटे हुए शिमला मिर्च डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। फिर इसमें काली मिर्च पाउडर डालेंगे, अब पीली मिर्च डालेंगे, उसके बाद जीरा पाउडर डालेंगे और टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फिर काजू का पेस्ट डालेंगे, फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इलायची पाउडर डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे 5 मिनट तक ढककर पकाएंगे। 5 मिनट के बाद इसे फिर चेक करेंगे। अब इसमें कटे हुए पनीर डालेंगे, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फिर इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती डालेंगे, फिर इसे ढककर 2 मिनट पकने दें। अब ये पनीर खुशरंग तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।